अच्छा सुनिएगा, कभी भी ये जो क्वेश्चन है 10 मिलीलीटर ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न्ड कंप्लीटली इन 100 मिलीलीटर ऑफ ओ2 एट एंटी, ऑन कूलिंग द गैस ऑक्युपाइड 80 मिलीलीटर एट दैट इज एंटीपी। ओके, तो 10 मिलीलीटर ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न्ड, बर्न किया कितना 100 मिलीलीटर ओ2 में, ऑन कूलिंग द गैस ऑक्युपाइड 80 मिलीलीटर एट एंटीपी, जब उसको कूल किया जा रहा है तो उसमें कितना हुआ 80 मिलीलीटर एंटीपी का। दिस वॉल्यूम बिकम 50 मिलीलीटर ऑन ट्रीटमेंट विद केवी सॉल्यूशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन तुम लोग का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का एनसीईआरटी के हिसाब से प्लस ये फर्स्ट बुक का प्लस चैप्टर भी लिख देता हूं, कौन सा चैप्टर है चैप्टर 12 ऑफ सेकेंड, ये दोनों जगह ये वाला तुम लोग का सेकेंड बुक का, सेकेंड बुक का ये जो तुम्हारा इक्वेशन है दैट इज 355 ये जो 355 तो पेज नंबर भी लिख दिया। इस पेज नंबर में देखो कैसे सेकंड बुक का ये वाला तुम्हें फॉर्म जो इक्वेशन दिया जाता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जिन लोग को बुक देखने की इच्छा कर रहे हैं उन लोग को हम बता दे रहे हैं, देखो ये देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है हाइड्रोकार्बन ये जो। अभी दूसरी बात होता है कि ये तो हमने लिख दिया लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, जो 355 पेज वाला तो हम बता दिए लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे। देखो तुम्हें बता, पहले तुम लोग जानते हैं कि CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर, ये तुम लोग जानते हो CH4, तो CO2 हमने लिख दिया एंड वाटर हुआ, तो ये जो है CO2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था 2 था, ऑक्सीजन कितना था दैट वाज 2, यहाँ पे CO2 आते दोनों ही चला गया, ये CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस वाटर, ये तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन को बांड करेंगे ये वाला चीज बनेंगे। ओके, अभी हम लोग इसको बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ पे तो यही चीज है, ओके यहाँ पे यही चीज है, तो इसको कितने से इंटू करें तो आएगा। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन यहाँ पे तुम्हारा 2 है लेकिन यहाँ पे कौन सा था 4, तो 2 से इंटू कर दिया तो कार्बन भी हो गया हाइड्रोजन भी हो, लेकिन ऑक्सीजन नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 2 और 2 मिलके कितना हुआ 4 हुआ। ये जो है CO2 जो है तुम्हारा, देखोगे CO2 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 कर लिया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हुआ 4 हुआ, तो 2 से इंटू करे तो हम लोग का आ जाता है। ओके, CH4 plus 2O2 that is 4O2, hydrogen 4, oxygen यहाँ पे 4, carbon हो गया balance हो गया। अभी देखो जो मान लो C2H6 plus O2 gives what, यहाँ पे देखो अभी number आ रहा है ना 1 की जगह 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी CO2 होगा यहाँ पे भी H2O होगा, अभी balance कैसे करो, यहाँ पे कितनी कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 2 है तो 2 तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इसको कितना रखेंगे 1 के रेस्पेक्ट में रखेंगे, यहाँ पे कार्बन 2 है तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 6 तो 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन कितनी होगी यहाँ पे कितना होगा 3 और यहाँ पे कितना हुआ दैट इज 4, 3 प्लस 4 कितना हुआ 7, 7 ऑक्सीजन हुआ, तो 7 ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे
सेवन बाई टू ओ टू। सेवन ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, सेवन बाई टू ओ टू। ओके, तो अब देखो सी टू एच सिक्स हुआ तो कितना लग रहा है, सेवन बाई टू टू सी ओ टू प्लस थ्री एच टू, इस तरीके से लिखा जा रहा है। ओके, अभी ये वाला पार्ट जो है देखो, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये जो है ना, ये वाला टू है, ये वाला यहाँ पे टू है, ये जो जैसे एक्स वाई दिया है तो इसको कंपेयर करके इस तरीके से लिखा जाता है। और एक भी ले लेते हैं सी थ्री एच एट, और एक रिएक्शन सी थ्री एच एट प्लस ओ टू गिव्स सीओ टू प्लस एच टू, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, कार्बन तीन है तो तीन लगा देंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना आठ है तो कितना लगा देंगे चार। आई बताओ यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बताओ जल्दी, बताओ जल्दी O2 से पहले कितना आएगा, फिफ्टी फाइव, फाइव आएगा। यस, कोई बच्चे ने सही लिख रहा है, बेटा क्यों नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, इसे देखते सी थ्री एच एट है, यह भी हाइड्रोकार्बन है सी थ्री एच एट को, तो अभी इस जगह पे जब हम लोग थ्री सी ओ टू प्लस फोर एच टू दिए हैं, ओके, तो थ्री सी ओ टू प्लस फोर एच टू, ओके, यहाँ पे कार्बन कितनी हुई, सॉरी ऑक्सीजन, दैट इज इज तुम्हारा थ्री, दैट इज टू सिक्स, और यहाँ पे हो गया दैट इज फोर, तो फाइव से जा रहा, ये फाइव वाला केस पे जा रहा, ठीक है। इसका भी बना के दिखाओ जल्दी जल्दी, सी फोर एच वाला हम लोग टेन ले लेते हैं, सी फोर, हाँ सी फोर एच टेन ले लेते प्लस ओ टू, कितना आएगा बताओ, यहाँ पे क्या जो मतलब सीओ टू प्लस वाटर, तो यहाँ पे फोर हो गया तो यहाँ पे फोर से इंटू करेंगे, यहाँ पे टेन हो गया तो यहाँ से कितना फाइव से इंटू, फाइव से इंटू कर दिया। तो आई बताओ ये जो रिएक्शन होगा यहाँ पे कितना पुट करेंगे बेटा, सिक्स पॉइंट फाइव बता रहे हो, अच्छा ठीक, दैट इज ये वाला एट, आठ और पांच तेरह, यहाँ पे टू है तो थर्टीन पॉइंट। अभी इसका बनाओ सी सिक्स एच सिक्स प्लस ओ टू गिव्स व्हाट, सीओ टू प्लस ओ टू, इसका इसमें छह है तो यहाँ पे छह फुट कर दिया, यहाँ पे सिक्स है तो यहाँ पे थ्री फुट कर दिया, यहाँ पे कितना आएगा बताओ जल्दी से, ये वाला तुम लोग को 10th क्लास में ही बताया था, कितना है बेटा, यस यहां पे आएगा 15 बाय 2, 15 बाय 2 ऐसे ऐसे करके आ रहा है, तो ये तो हमारा बेंजीन है, ये हमारा दैट इज एल्केन था, ये तो नियर अवर स्ट्रक्चर जो होते हैं तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर होते हैं, कोई भी बना दिया। एक और दे दे जो C3H6 plus O2, क्या दिया C3H6 plus O2 give CO2 plus water, कोई भी हाइड्रोकार्बन को बंद कर देते तो ये बने, इसमें तीन पुट कर देंगे, इसमें छह है यहाँ पे थ्री पुट कर देंगे, तो बताओ यहाँ पे कितनी पुट करना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताया, अच्छा कोई बता भी दिया भाई, हाँ गुड, तो सिक्स और थ्री नाइन, 4.5, that is 9 by 2. अब इतना देखने के बाद एक generalize कर दो. CXY इस type का कोई generalize करना है. Because इसको तुम्हें याद रखना ही पड़ते हैं. इस type का question को solve करने के लिए. तो अभी हम लोग इसको generalize करते हैं. Generalize करने के time में हम लोग देख रहे हैं कि जो fractions वाला चीज है, ये that is कितना है? 2
सी एच इज आता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो ये जो 7/2 है, यहां पे मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इस जगह से हम लोग का C2H6 7/2, तो 7/2 मींस व्हाट, 2 प्लस कितना हो जाएगा 3/2, 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 6/4, ऐसे लिख सकते 3/2 को 6/4 लिख, देखो इसके रेस्पेक्ट में लिख इस पैटर्न 7/2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3/2, इसी जगह पे इसको लिया, ये है 2, ये हो गया 6, 7/2 कैसे आएगा, जब हम लोग इस जगह पे 2 लिख दिया और इसमें क्या लिख दिया 6/4, इसके रेस्पेक्ट में लिखना है 2 6 को इसके रेस्पेक्ट में लिखना, फिर देखो सिंपल सा CH4, CH4 में कितना जा रहा है, CH4 में जा रहा है 2 और 2, तो कार्बन का 2 और 2 है तो 2 कैसे आएगा, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 4/4 आ रहा है ना, 2 आ जा रहा है, तो कोई भी केस में देखो 5 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा, ये 3 8, 5 कैसे आएगा, देखो इसमें आ जाएगा 5 इक्वल्स टू, हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस 8/2 दैट इज 5, तो इसीलिए इस जगह पे लिखते हैं xy इक्वल्स टू x प्लस y/4, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो इसी चीज को फॉलो करते हैं, इक्वेशन इसको फॉलो करते हैं, तो क्या हुआ ये चीज तुम्हारा आ गई। अभी जो देखो हम लोग जो किया था कैसे किया था वो भी हम तुम्हें बता देते, ये वाला तो तुमको पता ही चल गया था कि यहाँ पे मान लो 1 है तो हम यहाँ पे 1 ही लिख रहे थे, और यहाँ पे जो मान लो 4 है तो यहाँ पे 2 लिख देते, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 लिख देते, यहाँ पे 2 है तो इस जगह पे 2 ही लिख रहे थे, लेकिन इस वाले को फिर लिखने का तरीका बनाना था। तो कैसे हुआ देखो, CH4 कोई जगह पे ऐसा होगा तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 लिखते थे, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे क्या लिखते थे 2, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे लिखते 3, तो इसके मतलब ये हुआ ना यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y/2, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x ही लिखेंगे, और इस वाले को कैसे करके हम लोग बना सकते हैं x प्लस y बाई 4, सब तो हमने करके दिखा दिया, कभी भूल गया तो यहां से निकाल लेना इसको, मतलब क्या होता है x होता है यहाँ पे x आएगा, y होता है तो y बाई 2 आएगा, और इस जगह पे x प्लस y बाई 4 होगी। क्लियर बेटा, ये ऑक्सीजन के बारे में अभी कुछ बच्चे को क्लियर होगा, ये इक्वेशन कैसे बनते हैं उसके बारे में बताना जरूरी है। हाँ बेटा बताइए, जेआर इक्वेशन जैसे बनाया वो पता चला, जिसको पता चला वो यस, और जिसको पता नहीं चला नो 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 नो, लिखो 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 जल्दी लिखो, नो भी लिखो भाई, हाँ लिखो, एक नो आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नो लिखो जल्दी लिखो, नो यस, और मत लिखो यस, और लिखो लिखो नो लिखो जल्दी लिखो, नो लिखो यस, अच्छा अभी